अब अगर बिहार विधानसभा में मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, हमको सूचना मिली तो हम भागे भागे आए कि भाई देख लें आंखों से कि क्या सच्चाई। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सी समीक्षा की थी पूरे बिहार को लेकर, और उस समीक्षा का नतीजा ये निकला कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा, लोग बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली। अब आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जवाब सरकार से नहीं मिलेगा, सरकार से मिलेगा ये विपक्ष की साजिश है। शराब बंदी को साइलेंट हो जाइए। शराब बंदी का रियल पिक्चर आप सब लोगों ने देखा। हम क्या कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का मंदिर है, विधान सभा है, और कल ही यहाँ जो है शपथ लिया गया। और हम लोग लगातार कहते रहे कि सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इस तरह का काम जो है करा रहे, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे इनके अधिकारी हों। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सी समीक्षा की थी पूरे बिहार को लेकर, और उस समीक्षा का नतीजा ये निकला कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा, लोग बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली। हम तो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, हमको सूचना मिली तो हम भागे भागे आए कि भाई देख लें आंखों से कि क्या सच्चाई है। और हम लोग जब कोई चीज़ कहते हैं तो बिना तथ्य के नहीं कहते, तथ्य के साथ कहते हैं। बिहार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, नीतीश जी ने। बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी, गुर्बत, पलायन, ना रोजी ना रोजगार, ना कारखाने, ना शिक्षा, ना चिकित्सा, ना दवा, ना इलाज, कुछ नहीं, पूरी तरीके से चौपट कर दिया इन लोगों ने। अब अगर बिहार विधानसभा में मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां मुख्यमंत्री खुद बैठा है, कितना मीटर होगा मुख्यमंत्री चैम्बर से? 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर। आप समझे कि मुख्यमंत्री जहाँ रहते कितनी किलोमीटर तक सुरक्षा घेरा रहती है, तो आप समझ सकते हैं। होम मिनिस्टर कौन है भाई? बिहार का होम मिनिस्टर का सोया हुआ है क्या? कौन है होम मिनिस्टर बिहार का?